हमारे YouTube चैनल इंडियन जी टेक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में कोरोना के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी, अभी शुरू नहीं होगी पढ़ाई। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब पढ़ाई शुरू नहीं होगी स्कूलों में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना के कारण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ साथ बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ती जा रही है, जिस वजह से दोस्तों हरियाणा सरकार ने फैसला लेने की तैयारी की है कि अब स्कूलों में छुट्टियाँ बढ़ाई जाएँ। अभी सेशन शुरू नहीं होगा, अभी जो बच्चों की जो पढ़ाई है स्कूलों में शुरू नहीं की जाए, तो उससे संबंधित दोस्तों वीडियो दिखाने जा रहे हैं हम। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह की अपडेट और जानकारी आपको तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों देखिए, हरियाणा सरकारी निजी स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी में है। 28 नवंबर को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शनिवार को फैसला लिए जाने की बात कही है। दोस्तों, कोरोना से बच्चों के संक्रमित होने के कारण 30 नवंबर तक स्कूलों में छुट्टियां हैं, कोई भी स्कूल नहीं खुल रहा। 1 दिसंबर से 9वीं से 12वीं व अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने हैं या नहीं, इसे लेकर शिक्षा निदेशालय ने सरकार को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगे हैं। निदेशालय ने सभी जिलों में तैनात अधिकारियों से भी स्कूल खोलने को लेकर रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें छुट्टियां बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों, अधिकारियों ने भी छुट्टियां बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके साथ साथ शिक्षा निदेशालय के पत्र पर स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव हरकत में आ गए हैं। उन्होंने निदेशालय के मार्गदर्शन मांगने के बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल को बता दिया है। शनिवार को शिक्षा मंत्री बैठक कर सभी उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श कर छुट्टियां बढ़ाने या स्कूल खोलने को लेकर फैसला लेंगे। कंवरपाल का कहना है कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, 28 नवंबर को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 2 नवंबर से स्कूल बुलाए गए थे विद्यार्थी। तो दोस्तों, 2 नवंबर से दोबारा से छुट्टियों के बाद विद्यार्थियों को बुलाया गया था, मगर प्रदेश में 2 नवंबर 2020 से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाया गया था। पहले दिन जहां 75,683 विद्यार्थी आए, वहीं 6 नवंबर को इनकी संख्या 1,26,056 तक पहुँच गई। 18 नवंबर को प्रदेश के स्कूलों में 1,56,342 विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई। दोस्तों, धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या स्कूलों में बढ़ती गई। विद्यार्थियों की इस उपस्थिति के साथ साथ कोरोना के मामलों में बढ़ने लगे, इसके चलते सरकार ने 20 नवंबर को दोबारा स्कूल बंद कर दिए। लगभग 125 बच्चों को कोरोना होने की पुष्टि खुद सरकार ने की है। सरकार का मानना है कि ये बच्चे पहले से संक्रमित थे, स्कूल आकर नहीं हुए। स्कूल में जांच के बाद इनके संक्रमित होने का पता चला। निदेशालय ने अन्य राज्यों में 31 दिसंबर तक छुट्टियां होने का दिया तर्क। शिक्षा निदेशालय ने सरकार को लिखे पत्र में तर्क दिया है कि कोरोना के केस बढ़ने के कारण दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सहित के राज्य 31 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टियां कर चुके हैं। हरियाणा में भी रोजाना 2000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए सरकार फिर से स्कूल खोलने को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी करे, ताकि उसी अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों को अगले आदेश जारी किए जा सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।